सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ निवास मुजस्मा पाबे हयात सरवरे कायनात साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पवित्र गोद दे जुड़ बैठे बहुत ही मुआजिज हाजरीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए, कोई रसना वांझी ना रहे, प्यार सहित उचारना जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। इस नगर का संबंध कौम के उस महान शहीद के नाल जुड़िया हुआ जिस महान शहीद की मानसिकता दे विच उस समय की प्रमुख सिख लीडरशिप जिन्हां दे विच सरदार केहर सिंह पट्टी, सरदार दलीप सिंह, सरदार बरियाम सिंह, सरदार महताब सिंह, करतार सिंह झब्बर, इन्हां तो इलावा मास्टर तारा सिंह ते उस समय दे जिन्ने भी होर राजनीतिक और धार्मिक रहबर सन उन्हां दे नाल मिल के कौम दे वास्ते एक संस्थागत रूप दे विच गुरद्वारा प्रबंध नूं सिख कौम दे अधीन लैण दा जिहड़ा विचार जां जिहड़ा संघर्ष आरंभ कीता, अज जेकर असीं श्रोमणी अकाली दल जां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, माफ करना भावें जिस तरह का सुपना इन्हां शहीदां ने वेख्या सी कि साड़ियां कौमी संस्थावां इवें दियां होणगियां, उन्हां दा ओह रूप अज साडे सामने नहीं है, पर जिस तरह दे नाल उन्हां ने शहीदी जथियां दे विचों अकाली दल दी होंद नूं प्रगट कीता, इह अपने आप दे विच उन्हां समियां दे विच जिहड़ा सिख इनकलाब है उहदी एक बहुत वड्डी अहमियत सी ते समस्यावां कोई सुलझियां नहीं। डेरावाद अज भी उंज है, महंता ने रूप बदलिया, मसंदा ने रूप बदलिया, सच जाणिओ अज भी विश्वास गुरु ते घट है ते पखंडी साधा ते ज्यादा है, इस दे विच कोई शक नहीं। साडी मानसिकता दे विच इन्हां शहीदां दे वल्लों कीतियां इन्हां महान शहादतां तो बाद साडी मानसिकता दे विच कोई इनकलाब नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई। ख्याल करियो गुरुद्वारा प्रबंध एक कितना अहम प्रबंध सी, किते तुसी गुरु शब्द रतनाकर महान कोश दे विच भाई कान सिंह नाभा ने जिहड़ी गुरुद्वारा शब्द की व्याख्या की है ना, वैसे तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच गुरु के द्वारे की जिहड़ी व्याख्या है ना कि गुरुद्वारे जाके मनुख सोझी पाउंदा है, गुरुद्वारे जाए सोझी पाए सी। वो सोझी केवल तो केवल एक दिशा वाल निर्धारित नहीं होंगी, वो सोझी समुची मानसिकता दी सारिया दिशावां के उपर केंद्रित होंगी है कि तुहानू राजसी तौर पर सोझी होवे, तुहानू धार्मिक तौर पर सोझी होवे, तुहानू आर्थिक तौर पर सोझी होवे, समाजिक तौर के उपर सोझी होवे ते विश्वव्यापी पद्धर के उपर बाकी कौमियतां दे विच की वर्तारे वापर रहे ने उस समुचे वर्तारियां दी सोझी होवे। पर मेरे ख्याल दे नाल तां गुरु के दरबार दे विच गुरु की हजूरी दे विच आउण दा मकसद ते मरकज़ केवल इत्थों तक सीमित रह गया है कि असी मत्था टेकना है ते चले जाना है। गुरु का उपदेश की है, उन्होंने मनना है, ये असी छड़ दिता है। पर स्टेट के नज़रिए दे विच अज भी सी ते उदों भी सी गुरुद्वारियां दी अहमियत कितनी सी। ब्रिटिश पार्लीमेंट दे विच 1890-92 दे विच एक चर्चा हुंदी है, वो चर्चा बड़ी अहम है। उस चर्चा दे विच एक खास मुद्दे नूं विचारिया जा रहा है कि बेशक पंजाब दे उपर असी ब्रिटिश लोगों ने असी अंग्रेज़ां ने कब्जा कर लिया, पर अजे लगदा नहीं कि सिख गुलाम ने, अजे सिख ने मानसिक तौर पर साड़ी गुलामी स्वीकार नहीं की। कारण की जांच की जाए कि सिख पंजाब साढ़े अधीन आ गया, राजनीतिक तौर पर असी शासक बन गए हैं, पर पंजाब का सिख अजे गुलामी स्वीकार नहीं कर रहा। तो यदा जवाब एक अंग्रेज विद्वान ने ब्रिटिश पार्लीमेंट के विच दिता सी, उसने शब्द वरते सी द सिख श्राइन्स आर स्टेट विद इन स्टेट। जिहड़े सिखां दे गुरुद्वारे ने ना, वो हर जगह दे उपर ही आज़ादी दे मरकज़ ने। जिन्ना चिर कोई भी राज सत्ता इन्हां दे गुरुद्वारियां दे उपर काबज़ नहीं हुंदी, इन्हां दे गुरुद्वारियां दे विचों जिहड़ी गुरदेव पातशाह ने सानूं राजसी विचारधारा बख्शिश कीती है ना कि तख्त बहे तख्ते की लायक, जिन्ना चिर वो खत्म नहीं होंगी सिखां नूं गुलाम ना समझा जाए, जिन्ना चिर बेगमपुरे का संकल्प खत्म नहीं होंदा जिहड़ा भगत रविदास जी ने पावन बाणी दे रत्या है कि बेगमपुरा शहर को नाओ दूख अंधो ना ही ते थाओ ना तस्वीस खिरास ना माल खौफ ना खता ना तरस जवाल। जिन्ना चिर वो बेगमपुरा, जिन्ना चिर हलेमी राज, जिन्ना चिर अबचल नगर का संकल्प सिख की मानसिकता दे विचों खत्म नहीं हुंदा, उन्ना चिर तक सिख नूं गुलाम ना समझा जाए। इस करके 1857 के गदर तो बाद इंग्लैंड की महाराणी विक्टोरिया ने भी एक गल कही सी कि अंग्रेज़ां नूं हिंदुस्तान के लोगों के धर्म के विच दखल नहीं देना चाहिए, सिखां नूं छड्ड के। ये बड़ी अहम गल है, अंग्रेज़ां नूं हिंदुस्तान के लोगों के धर्म के विच दखल नहीं देना चाहिए, सिखां नूं छड्ड के। उहदा कारण की सी, क्योंकि सिखां दा धार्मिक मरकज़ ते सिख दा अकीदा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब महाराज के उपर है, वो गुलामी नूं पसंद नहीं करता, वो आज़ादी नूं पसंद करता है। और इसे करके अज भी स्टेट की पॉलिसी तो वही रही है। असीं कहने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, दुनिया का कोई ऐसा धर्म है, तुसीं इस्लाम नूं वेख लो, हिंदू धर्म नूं वेख लो, यहूदियां नूं वेख लो, बहाईज़ नूं वेख लो, मॉर्मन्स नूं वेख लो, बोधियां नूं वेख लो, दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं जिहदे धर्म अस्थानां नूं प्रबंध के वास्ते चलाने वाली जिहड़ी संस्था है वोटां दे विच्चों चुनी जाए, किसी धर्म दे विच नहीं, एक सिखां दे विच है। क्यों? क्योंकि जिहड़ा वोटिंग सिस्टम का जिहड़ा प्रबंध है वह भारतीय संविधान के कारपोरेशन एक्ट की धारा 20 दे विच आउंदा है। असीं कहने सिखां दी मिनी पार्लीमेंट श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी कोई होंद नहीं है संविधान दे विच, इह साडे कहण दीआं गल्लां ने। होंद तां इन्नी क है कि जेकर अज अमृतसर दे विच सारी ही श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी भंग कर दिती जाए तो अमृतसर का डीसी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का मालक है। होंद इन्नी क है। प्रबंधकी पद्धर के उपर एक यूनीवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन तो हेठली होंद है श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की। यूनीवर्सिटी का सारा सिस्टम भंग हो जाए तो वाइस चांसलर के उपर पंजाब का गवर्नर वह मुखी होंदा है, पर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी खत्म कर दी जाए तो सारा प्रबंध अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के कोल चला जाता है। ये सरकार की एक चाल सी, एक साजिश सी। हालांकि हाली पानीपति एक मुसलमान शायर होया है, उन्हें सिखा में एक शेर लिखा सी जदों सिख सोच रहे सी ना कि असीं ब्रिटिश सिस्टम के अधीन श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को असीं होंद दे विच लैके आईए, तो हाली पानीपति ने सिखां नूं एक छोटा जिहा शेर लिख के भेजिया सी। कहंदा सिखो, जमहूरीयत एक तर्ज़ हुकूमत है जिसमें सिरों को गिना जाता है तोला नहीं जाता। जिस डेमोक्रेसी की तुसीं गल करदे हो ना, मेरियां गल्लां पसंद नहीं आउंदियां वैसे, उसने कहा सी कि जिहड़ी डेमोक्रेसी की तुसीं गल करदे हो ना, उस डेमोक्रेसी दे विच सिर दी सियाणप नहीं वेखी जाती, सिरां दी गिणती वेखी जाती है, ते 90 गधे जिहड़े ने 10 शेरां नूं हरा दिंदे। इह सच सी, असीं नहीं इस नूं स्वीकार कीता।